जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री का होने जा रहा है, जो कि पेपर प्यार बच्चों आप लोगों का 28 सितंबर के दिन होगा। तो मैं बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, देख आप लोग सकते हो, ये आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर है। 100% आपके एग्जाम आएगा, गारंटी में लेता हूँ प्यार बच्चों। अगर ना आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब आप लोग करके चले जाना, और एग्जाम दे करके आओगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की पिछली वीडियो में बता देने का, और डाउनलोड भी करने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है। तो विषय कोड आपको पता है 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा आप लोग प्यार बच्चों, इसमें 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न बोला 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना किसने किया था। तो आप पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन पहला का आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा। दो नंबर क्वेश्चन है, C14 विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो दो नंबर का ऑप्शन बी ए नोट कर लीजिएगा, ये आपका जीवाश्म द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग दो का भी ए नंबर नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करिएगा, दो का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीन नंबर है, ग्रीक शब्द जो कि पिथिकस का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा तीन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वानल, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, उसका पेपर वैसे हम डाल दिए हैं, और कहोगे तो फिर हम डाल देंगे फिर से वीडियो, कमेंट कर देना सभी लोग, ठीक है। चलिए तो चार नंबर क्वेश्चन है, ये है कि जो ना लैस कॉक्स और के गुफा चित्र किस देश में स्थित है। तो चार का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा, फ्रांस। चार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीएंडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े काल जो ना फुलौंड ने कहाँ से प्राप्त किए। तो पांच का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, जर्मनी से। क्या हो जाएगा, जर्मनी से, सी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ये आपका छः नंबर क्वेश्चन है, बोला कि शिल्पकृतियाँ क्या है। तो देखिए शिल्पकृतियाँ जो है प्यार बच्चों, आप याद रखिएगा, ये एक आपका औजार है, चित्रकालियाँ हैं, साथ में मूर्तियाँ हैं, है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखो शिल्प, शिल्प का मतलब क्या हो जाता है, इसमें बहुत सारा जो भी कुम्हार वगैरह जो भी काम करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाने के काम में, ये सारा हो जाता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सात नंबर बोला जा रहा है प्रश्न आपसे, बोला प्रयाग या चिंतनशील मुख कौन थे। तो याद रखिएगा सात का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, या आपका होमो हैबिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। आठ नंबर की, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये फरात और डलजरा नदी के किनारे हुई थी, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नौ नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो नौ नंबर का आप नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, किलाकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नौ नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, दस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक था। तो दस नंबर का ऑप्शन ए होगा, ये आपका बेबीलोनिया का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। ग्यारह है आसिरिया, आसिरिया के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो ग्यारह का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मा जो ना बाड़ी आक्रमण, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बारह नंबर की, मेसोपोटामिया में कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो आप याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक तो आपका हो जाएगा गेहूं, दूसरा हो जाएगा जौ, तीसरा हो जाएगा मटर, यानी कहेंगे इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया मेसोपोटामिया की देवी जो ना इनत्रा का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रेम और युद्ध से, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर दीजिएगा, आप देवी है तो देवी है, प्रेम और युद्ध दोनों कर सकती है ना, जब उनके ऊपर आ जाता है। तो आप कुछ ट्रिक वगैरह से याद भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग ना वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों
आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, अपने फोन में ना गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में आकर के ना सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा, क्लास 11th का सेशन है, क्लास 11th सेप्टेम्बर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। नीचे आइएगा, ये साइंस का सेशन, इसमें मत क्लिक करिएगा, नीचे आइएगा। ये आपका है आर्ट्स का सेशन, इसमें आपके सामने हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, डाउनलोड लिखा है सामने, डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद देखो, अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव आंसर की अपडेट नहीं किया हूँ। आप वीडियो देखने के बाद आओ, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से आपको दिखाएंगे, और उससे पहले हम डालेंगे, मतलब ये वीडियो अभी देखोगे, इसके बाद जस्ट जाओगे आप लोग तो आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो पेज वगैरह को रिफ्रेश करना, आपको दिख जाएगा आंसर की, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दोनों का। देखो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव का। तो आइए आप लोग यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे क्या बोला, किस नगर में से जो है ना वार का सिर्फ शीर्ष मिला, तो आप 14 का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा जो ना उरुक का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा 15 नंबर का राइट आंसर सी होगा, मेसोपोटामिया में, ठीक है। कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, झूलते बागों का निर्माण किस सभ्यता की देन है, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, बेबीलोनिया का। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेबीलोनिया का, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 17 है, आसीडिया के शासक जो ना आसुर वनीपाल की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, निनवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर आपसे पूछा गया, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, शांग वंश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे बोला गया, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, चीन में, ऑप्शन नंबर 19 का आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। 20 है कि जो ना कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे, तो आप 20 का नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन का, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, चीन का बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई, प्रतियोगिता जिसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, इसकी जी ठीक है, इसकी प्रतियोगिता, ये इसकी तैयारी कहाँ से, मतलब सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई गवर्नमेंट जॉब की, तो फटाफट बताइएगा। याद रखिएगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह, इन प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले, ये क्या गया था, कहाँ पर, देखो प्रॉपर तो याद नहीं है, शायद आसीडिया, मिस्र, यूनान, चीन, चीन में तो नहीं बिल्कुल क्या गया होगा, यूनान में, मिस्र में, प्रॉपर नहीं याद है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ कि बता दूँ, एक सेकंड बता देता हूँ, रुक जाओ आप लोग। बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, जैसे किस बोला की प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करते, तो ये चाइना में ही सबसे पहले किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोला जा रहा है जो ना हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनान का, ये यूनान के निवासी थे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 है, प्लेटो कौन थे, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटो एक दार्शनिक थे, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बोला गया कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई, तो ओलंपिक खेल जानते हो ना, जो नीरज चोपड़ा खेले थे, ठीक है, तो भाला जिसमें फेंका जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसकी शुरुआत सबसे पहले जो की गई ये यूनान में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, यूनान में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, बोला गया रोम में चूल्हे की देवी कौन थी, तो चूल्हे की देवी रोम में जो थी आप चूहे की देवी, ठीक है, याद रखिएगा ये थी व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है, और कमेंट करना कि आप लोगों का एग्ज़ाम पीछे का बढ़िया गया पेटर नहीं, और इसके बारे में बताना। चलिए, तो मैंने बता दिया 26 है कि जो ना पेंटिनियन क्या था, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, मंदिर है, टेम्पल होगा, 26 का ए नंबर आप लोग नोट करेंगे। 27 की बात करेंगे तो बोला गया अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया है, था रखा गया है, तो देखो अगस्त महीना जो है ये नाम जो रखा गया है ये रखा गया अगस्टंस के नाम पर, अगस्टंस, अगस्टंस यानी कि ऑप्शन, आप देखिए अगस्टंस इसका नाम से भी पता चलता है अगस्त, तो इसी के नाम पर रखा गया, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया ईसाई धर्म में को रोम का राज धर्म किसने बनाया, तो वो 28 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइनन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 29 है कि अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए, तो याद रखिएगा 29 का बी नंबर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है न्यू जो ना प्लियोनिक युद्ध किनके बीच हुआ, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका हो जाएगा रोम और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया, क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आप देखिएगा खाग इतिहास से आप क्या समझते हैं, दूसरा है जो ना जिगुरात से आप क्या समझते हैं, तीसरा है कि सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखे, चौथा है कि हम्मुराबी के कानून संहिता की 2 विशेषताएँ लिखे। आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आप लोगों से, बोला गया कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ, छठा है कि चीन की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करें, सातवां है रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसे हुई, सातवां है रोम में मुगल गुलामों की स्थिति का वर्णन करें, 9 नंबर प्रश्न की प्लेटो की 2 रचनाओं का उल्लेख करें, 10 नंबर की एथेंस का जनतंत्र की 2 विशेषता लिखें। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा इसमें आपका 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना, 5 मार्क्स वाला तो 15 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें, बड़ा है कि कॉम जो ना कन्फ्यूशियस की 2 देनों की का वर्णन करें, 13 है यूनानी सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें, 14 नंबर है अगस्टस की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, 15 है कि जो ना कॉन्स्टेंटाइनिन के कार्यों का प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, देखो उसका उत्तर मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगा, गूगल से, गूगल में जाना है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना। चलो मैं लाइव प्रूफ आपको सिखाता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के क्या करिए सर्च कर लीजिए। सर्च कर लेने के बाद ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा, नीचे आएगा ना तो देखिएगा क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा, ये रहा क्लास 11th का सेशन, सेप्टेंबर मंथली एग्जाम यहाँ पर लिखा मिल रहा है ना जो फर्स्ट वाला, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ये साइंस का सेशन यहाँ नहीं क्लिक करना, नीचे आओगे ये आर्ट्स का सेशन है, आर्ट्स के सेशन में आपके सामने हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लेने के बाद आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और नीचे आइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की दे दिया हूँ, पीछे की वीडियो से जाकर के आप लोग आंसर की मिला लेना, 300 क्वेश्चन का सही से आंसर है। इसके अलावा हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की हम लोग दिए हैं, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दिए, आपको पढ़ करके भी बता देते हैं अच्छी तरीके से, और जिनको हो सके आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लेना बेस्ट होगा प्यारे बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दिए हैं, पहला का उत्तर हो जाएगा कि आग इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके हैं, तो पहला का उत्तर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे तो 2 का उत्तर हो जाएगा आपका कि जो ना जिगुरात एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, और जो कि उल्र के संरक्षक देवता चंद्रमा देवता नाना देवता का मंदिर था। जिगुरात का निर्माण 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा सुलगी ने किया था, जिन्होंने शहरों के निष्ठा को जीतने के लिए खुद को एक देवता घोषित किया था। तो ये आपका 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आप लोग चैनल पे अगर
अगर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना। हिंदी इंग्लिश का पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, डाल दिया हूँ, नहीं देखे हो तो वीडियो डाल दूंगा, कहोगे कमेंट करोगे, और उसके बाद होम साइंस वगैरह का, ठीक है। तो चलो तीन नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तीन का आपका उत्तर जो होगा कि उनकी संस्कृति में शहर राज्यों का एक समूह शामिल था जिसमें जो ना एडुडू, निपुर, लागास, किस, उर और सबसे पहला जो है ना सच्चा शहर उरूक शामिल था। 2800 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर है। शहर की जो ना आबादी लगभग 40,000 से 80,000 लोगों के बीच थी जो इसकी 6 मील की रक्षात्मक दीवारों के बीच रहते थे, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े शहर के का दावेदारी बन गया। चलिए अब चार नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा कि संहिता की प्रस्तावना में एक हम्मुराबी ने कहा कि छह देशों में न्याय को दृश्यमान बनाना चाहता है। दुष्ट व्यक्ति जो बुरे काम करने वाले को नष्ट करना चाहता है ताकि बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान ना पहुंचा सके। संहिता में शामिल प्रमुख कानूनों में बदनामी, व्यापार, गुलामी, श्रमिकों के कर्तव्य, चोरी, दायित्व और तलाक शामिल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है पांच नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आप देखेंगे तो उत्तर होगा चीन में दीवार बनाने का विचार काफी पहले शुरू किया हुआ था। 1400 से 1300 ईसा पूर्व में चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। इन राज्यों के लिए खुद को दूसरे राज्यों से बचाने के लिए दीवारों को बनाना आम बात थी। आगे चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। आप लोग जरूर यहां से आकर के डाउनलोड करिए, अच्छे से लिख लीजिए, है ना। वीडियो में लिखने में भी आपको टाइम लगता होगा रुक रुक करके, इसीलिए। चलो 11 का उत्तर होगा कि इस कारण लेखन कला को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इस लिपि को गीली पट्टी पर लिखकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह की लेखन कला अस्थाई हो जाती थी। गीली मिट्टी की जो पट्टी थी उसे गीली मिट्टी की पट्टी पर सूखने से पहले ही गीली अवस्था में फटाफट लिखना होता था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 का उत्तर होगा, थोड़ा छोटा छोटा ही हम लोग उत्तर दें, ठीक है। मंत्री होने के नाते उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। वे लोगों को विन्यायी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने का प्रेरणा देते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 13 नंबर का उत्तर होगा हमारा। 13 नंबर का उत्तर आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, जैसे कि होगा प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में कई तरह की विशेषताएं थी जिनमें से कुछ ये रही है। पहला आप लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज, आप चाहो तो नंबर वन, नंबर टू भी दे करके लिख सकते हो, या जैसे पॉइंट लिख दीजिएगा। सामाजिक वर्ग लिखना है कि समाज में तीन वर्ग थे, गुलाम, विदेशी और स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्र व्यक्ति वर्ग में पुरुष और महिलाएं शामिल थी जिन्हें कानूनी और राजनीतिक अधिकार थे। एथेंस के चार वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग। आगे देखिए अर्थव्यवस्था, तो देखिए प्राचीन यूनानी अर्थव्यवस्था में दासों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। दासों को एक कृषि, मजदूरी, खनन, दुकानों में काम, घरेलू काम, पुलिस बल और सरकार के कामों में लगाया जाता था। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का हमने उत्तर दे दिया। आकर के आप लोग यहां से लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश का भी पेपर प्रॉपर डाला गया है सही सही आंसर की, आप यहां से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का करना है, यहां पर आंसर की वगैरह ना दिखे तो पेज को आप रिफ्रेश एक बार कर लीजिएगा और नीचे आएगा ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी देखो उत्तर है। और हिंदी की बात कर ले तो हिंदी इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, पेज वगैरह को रिफ्रेश कर दीजिएगा, करके नीचे आइएगा तो यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल गया, सब्जेक्टिव का भी पूरा पड़े। तो आकर के अच्छे से लिख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।